नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और पुश करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी 25,000 एकर्स का लैंड बैंक क्रिएट कर दिया है और बहुत जल्द ये इंडस्ट्रीज को अलॉट करना स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों ये लैंड प्लॉट्स ऑलमोस्ट 75 डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि स्टेट के अलग अलग एक्सप्रेसवेज के अगल बगल बने हुए हैं। रिसेंटली इसी के अंतर्गत 1,470 एकर्स ऑफ लैंड का एक प्लॉट ललितपुर में अलॉट किया गया था, जिसका इस्तेमाल एक ड्रग पार्क डेवलपमेंट के लिए होगा। फार्मास्यूटिकल्स, जेनरिक मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होती हुई दिखाई देगी। हाथरस, हरदोई, प्रयागराज, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, चित्रकूट, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में भी जो लैंड अलॉटमेंट का काम है वो कुछ ही हफ्तों के अंदर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा रूरल एरियाज में भी ग्राम सभा लैंड को एक्वायर करने के ऊपर काम किया जा रहा है, जहां पर 25,000 के आसपास यूनिट्स सेटअप की जाएंगी, ताकि वो लोग जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं उनको दूसरे एरियाज में माइग्रेट न करना पड़े और रूरल एरियाज में ही रहते रहते उनको काम भी मिल पाए। होपफुली आगे चलकर इसका आपको एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट बीएसएनएल से है, जहां पर दोस्तों उनके नेटवर्क के एक्सपांशन के लिए टीसीएस और बीएसएनएल दोनों मिलकर एक बड़े स्केल पर डेटा सेंटर्स को सेटअप करने वाले हैं और अभी 38 अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स को लेकर एमओयू साइन हो चुके हैं। दोस्तों 38 डिप्लॉयमेंट में से 8 डिप्लॉयमेंट्स अलग अलग जोन्स में बनकर तैयार होनी है, जो कि एक टाइप के डेटा सेंटर्स होंगे। हर जोन में 2 डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, एक प्राइमरी सर्वर के लिए जबकि एक डिजास्टर रिकवरी सर्वर के लिए होगा। रिमेनिंग 30 डिप्लॉयमेंट्स उनके टेलीकॉम सर्कल के अंतर्गत बनकर तैयार होनी है। 15,000 करोड़ रुपीज की डील जो कि टीसीएस ने बीएसएनएल के साथ 1 से 1.5 साल पहले साइन की थी, उसी के अंतर्गत ये काम होने वाला है। और इस बार टीसीएस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सीडोड को भी यहां पर बदल लेगा। होपफुली जून 2024 के आसपास ये सभी के सभी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट टॉय मैन्युफैक्चरिंग से है, जहां पर दोस्तों इंडियन टॉय मेकर कैंडी टॉय कॉर्पोरेट ने प्लान किया कि वो भारत में एक ओवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे और यहां पर वो प्लास्टिक प्रमोशनल टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। दोस्तों इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंदौर में बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 82,000 स्क्वायर फीट के एरिया में। ऑलरेडी इंदौर में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑपरेट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इनका तीसरा प्लांट होगा जो कि इंदौर में ही बनकर तैयार हो रहा है। स्पेसिफिकली इन्फ्लेटेबल टॉयज और जो प्लस टॉयज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर बड़े स्केल पर करेंगे। एक बार जब ये प्लांट बन जाता है तो 900 के आसपास लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाएंगी, साथ साथ हमारे डोमेस्टिक मार्केट में तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे। यूरोप, यूएसए, अफ्रीकन कंट्रीज, तुर्की, सऊदी अरेबिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ओमान, कुवैत, यूएई, इस तरह की कंट्रीज में भी इनके द्वारा टॉयज एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से है, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने हमें बताया है कि अभी उनको ACC बैटरी पीएलआई के अंतर्गत 7 बड़ी बिड्स रिसीव हो गई हैं और होपफुली इस बार इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ACC बैटरी पीएलआई स्कीम को जब लॉन्च किया गया था तो उस समय टारगेट था कि 30 GW पर आर के आसपास बैटरी कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा। 2022 में 2 से 3 कंपनीज को इसके लिए अप्रूवल मिल गई थी, जिसमें ओला का सबसे बड़ा चंक था अराउंड 20 GW पर आर के आसपास। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स और रिलायंस को भी 5-5 GW के आसपास कैपेसिटी का ऑर्डर मिला था। और अभी इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जो रिमेनिंग बजट बचा था उसको यूटिलाइज करते हुए दोबारा से इसके लिए ग्लोबल टेंडर इन्वाइट किए गए थे और अभी 7 बिड्स इसके थ्रू यहां पर रिसीव हुई हैं, जिसमें ACME क्लीनटेक, हमारा राजा, एनवी पावर, GSW, रिलायंस, लुकास TVS और वारी एनर्जीज, इन फर्म्स ने बिड सबमिट की है। कुल मिलाकर इन्होंने 70 GW पर आज तक की कैपेसिटी प्रपोज की है, जो कि मिनिस्ट्री के टारगेट के ऑलमोस्ट 7 गुना है, क्योंकि जब इसके लिए दोबारा से टेंडर इन्वाइट किए गए थे तो उस समय सिर्फ 10 GW पर आर की कैपेसिटी के लिए ही बिड्स इन्वाइट की गई थी। लेकिन अभी क्योंकि अच्छा रिस्पांस मिला है तो होपफुली बड़े स्केल पर हमें इन्वेस्टमेंट भी होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट टाटा ग्रुप से है, जहां पर दोस्तों टाटा ग्रुप ने भी प्लान किया कि वो और एडवांस्ड और हाई एंड चिप्स की प्रोडक्शन करेंगे और इसके लिए उन्होंने उनके टेक्नोलॉजी पार्टनर पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन PSMC के साथ मिलकर ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों टाटा के द्वारा जब यह अनाउंस किया गया था कि वो धुलेरा में उनका सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेंगे, जहां पर 91,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के द्वारा की जानी है, तो उनका कहना था कि वो वहां पर 28 नैनोमीटर से लेकर 90 नैनोमीटर की ब्रैकेट में जो चिप्स हैं उनकी प्रोडक्शन करेंगे। और वैसे भी प्लांट के लिए उन्होंने फाउंडेशन रखने का काम भी कर दिया था, जहां पर कंस्ट्रक्शन काम अभी जारी है। 28 नैनोमीटर से लेकर 90 नैनोमीटर के बीच में चिप्स प्रोड्यूस होती हैं, उनका ग्लोबल मार्केट शेयर में अराउंड 50% का हिस्सा है। पर क्योंकि अभी जो नई एडवांस चिप्स हैं उनकी यूजेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो टाटा और BSMC का कहना है कि वो अब 14 नैनोमीटर की चिप्स भी प्रोड्यूस करेंगे, जिसके चलते उनका जो क्लाइंट बेस है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन चिप्स का इस्तेमाल टैबलेट्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस तरह के एरियाज में होता हुआ दिखाई देगा। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए उन्होंने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो अगर सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2026 के एंड तक यहाँ से पहली चिप आपको रोल आउट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट एयर टैक्सी से है,
जहां पर दोस्तों अमेरिकन फर्म आर्चर एविएशन के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि वो अगले एक साल के अंदर अंदर भारत में उनकी एयर टैक्सी के ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। और यहां पर उन्होंने इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों इसके बारे में जस्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस आर्चर एविएशन के साथ में मिलकर भारत में 2026 तक एयर टैक्सी लाने वाले हैं। और अभी इसको लेकर एमओयू भी साइन हो गया है जहां पर इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो अगले साल के अंदर अंदर भारत में एयर टैक्सी के ट्रायल्स भी स्टार्ट करेंगे। अराउंड $1 बिलियन के आसपास ये डील है जहां पर 200 के आसपास एयर टैक्सी ये अमेरिकन कंपनी हमारी इंडियन कंपनी को सप्लाई करेगी। अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहते हैं तो सबसे पहले दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में एयर टैक्सी स्टार्ट होगी। 27 किलोमीटर की जर्नी होगी जिसको सिर्फ 7 मिनट में ही कंप्लीट किया जा सकेगा, जहां पर अभी बाय रोड 1 से 1.5 घंटे तक का समय लग जाता है। आगे चलकर दोस्तों इसको लेकर और कई सारी अपडेट्स आएंगी, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगली दोस्तों अपडेट ब्रह्मोस एक्सपोर्ट से है, जहां पर दोस्तों भारत और फिलीपींस की डिफेंस डील अभी पूरी तरह से कंक्लूड कर ली गई है, क्योंकि यहां पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की एक और बैटरी फिलीपींस को डिलीवर कर दी है। दोस्तों आज से जस्ट 4-5 दिन पहले ही भारत और फिलीपींस की डिफेंस डील के अंदर 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज फिलीपींस को डिलीवर की गई थी, जहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोमास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अगेन इसी एयरक्राफ्ट के थ्रू अभी 4th बैटरी डिलीवर कर दी गई है, जो ओवरऑल इस पूरी डील में लास्ट कंसाइनमेंट थी। इसके लिए डील पूरी तरह से कंक्लूड हो गई है। और क्योंकि अभी भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर दी है, तो और कंट्रीज जो पहले इसमें इंटरेस्ट शो कर रही थी उनका इंटरेस्ट अभी इसमें और बढ़ेगा, और होपफुली आगे चलकर इसके आपको ओवर एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से है, जहां पर दोस्तों विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का काम होपफुली इस बार आपको आगे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी टोटल 14 फर्म्स ने कुल मिलाकर 33 बिड्स इसके लिए सबमिट कर दी है। दोस्तों विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर ओवरऑल एक 126 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल कॉरिडोर होगा, जहां पर रोड, मेट्रो, रेलवे, इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है वो बनाए जाने वाले हैं। अभी जो बिड्स इन्वाइट की गई थी ये MSRTC ने की थी, जो कि स्पेसिफिकली इसके रोड सेगमेंट के लिए थी, और वो भी पहले फेज के लिए, जो कि पालघर से रायगढ़ के बीच में 96.4 किलोमीटर का होगा। 8 से 14 लेन तक के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनाए जाएंगे, जहां पर मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि MSRTC को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बनाने की, तो होपफुली आप कह सकते हैं कि अब इसका काम और तेजी से हो पाएगा। जो इसके लिए भी बिड्स रिसीव हुई हैं उन सबको MSRTC के द्वारा इवेल्युएट किया जा रहा है, और इसमें से जिस भी कंपनी को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसको 3 साल का समय दिया जाएगा उनके पैकेज के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट हमारी रेलवे से है, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवे ने RINL का रायबरेली व्हील प्लांट अभी पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, और इस साल के एंड तक वो इस प्लांट को व्हील्स की प्रोडक्शन के लायक बना देंगे। दोस्तों थोड़ा सा अगर इसका मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो RINL का रायबरेली व्हील प्लांट आप कह सकते हैं कि हमारी रेलवे का वन ऑफ द बिगेस्ट व्हील प्लांट्स है, जिसकी कैपेसिटी एनुअली 80,000 व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग की है। पर क्योंकि RINL के ऊपर काफी ज्यादा डेट था, तो हमारी रेलवे ने अनाउंस किया था कि वो इस प्लांट को टेक ओवर कर लेंगे, और फिर आगे से हमारी रेलवे इसको ऑपरेट करेगी, जहां पर और एडवांस व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास ये डील है, जहां पर 800 से 900 करोड़ का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया है, जबकि 1,000 करोड़ का RINL का डेट हमारी रेलवे ने टेक ओवर किया है। और मैं आपको बता दूं कि डील अभी कंक्लूड कर ली गई है, लेकिन साइन काफी पहले ही कर ली गई थी, जिसके अंदर हमारी रेलवे ने इस रायबरेली प्लांट में जो कैपेसिटी एक्सपांशन का काम है वो पहले ही स्टार्ट कर दिया था। ईयर एंड तक ये प्लांट दोबारा से ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा, और जैसे एक बार यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं तो ईयर बाय ईयर धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।